तब्बल 45 हून अधिक लोकांचे बळी घेणारा व्यापम घोटाळा मध्य प्रदेश सरकारसाठी गले की हड्डी बनलाय. काँग्रेसनं या मुद्द्यावर भाजप सरकारला चांगलंच घेरलं होतं. या प्रकरणी सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी तसंच काही सामाजिक संस्थांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या. त्याबाबत गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. तेव्हा अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, इंदिरा जयसिंह, केटीएस तुलसी, विवेक तनखा आणि मध्य प्रदेशचे ॲडिशनल ॲडव्होकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव अशी वकिलांची तगडी फौज एकमेकांसमोर उभी ठाकली. व्यापम घोटाळ्याशी संबंधित सर्व प्रकरणं सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दिले. 24 तारीख नेक्स्ट डेट इन केसेस में सुनवाई के लिए लगी, तब सीबीआई अपना पक्ष रखेगी. क्योंकि ये केसेस आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार से सीबीआई को हैंडओवर कर दिए हैं, इसलिए आगे अब सीबीआई 24 तारीख को अपना क्या करना है, कैसे करना है, दिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द सीबीआई. शिवराज सिंह चौहान सरकारसाठी हा मोठा दणका मानला जातोय. मुख्यमंत्री चौहान यांनी सीबीआई चौकशीच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. हाई कोर्ट पर पूरा विश्वास है, न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, हम पूरा आदर और सम्मान हाई कोर्ट का करते हैं, लेकिन जिस तरह का वातावरण खड़ा हुआ था उसमें मुझे लगा कि सीबीआई की जांच कराना आवश्यक है. तो उनको भी हमने अनुरोध पत्र दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी हम यही निवेदन करेंगे कि ये जांच सीबीआई से कराई जाए. तो कांग्रेस ने त्यावरून जोरदार टोला हांडला है. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. तो मेरा एक ही सवाल है प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों का वजन होना चाहिए. आप खाने क्यों दे रहे हैं? आप राजस्थान में खाने क्यों दे रहे हैं? आप मोदी जी को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? आप चौहान जी को खाने क्यों दे रहे हैं? दरम्यान व्यापम घोटाळ्यात मध्य प्रदेश से राज्यपाल राम नरेश यादव यांचंही नाव पुढे आलंय. आता त्यांना पदावरून हटवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यात. भाजपची सत्ता आल्यामुळे ज्या मोजक्या काँग्रेसींना राज्यपालपदी कायम ठेवण्यात आलं त्यामध्ये यादव यांचाही समावेश आहे. मात्र आता त्यांना फार काळ पद टिकवता येईल असं वाटत नाही. पंतप्रधान मोदी भारतात परतल्यानंतर यादव यांना डच्चू देण्यात येणार असल्याचं समजतंय. त्यामुळे भाजप काय आणि काँग्रेस काय, हमाम में सब नंगे अशीच परिस्थिती आहे. रामराजे शिंदे सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.